हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनीत सुरेखा। दोस्तों, ये है वन मेटल क्रेडिट कार्ड। आप में से बहुत से दोस्त ये कार्ड बनवाना चाहते होंगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपका ये कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अब आप भी ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि वन मेटल क्रेडिट कार्ड है, आपको वन कार्ड लाइट मिलेगा। अब डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और वन कार्ड लाइट जो नया है वह सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। फीचर्स दोनों की सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इस कार्ड में जो बेनिफिट मिलते हैं, वन कार्ड लाइट में भी आपको सभी बेनिफिट मिलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप भी किस तरह से वन कार्ड लाइट को अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा ही आसान प्रोसेस है, बस आपको एक FD करनी होगी। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये पहला बैंक है जो आपको आपकी FD पे 110% की लिमिट देता है। जी हाँ, सही सुना आपने। समझ लिया आपने, 10,000 की FD की तो आपको 11,000 की लिमिट मिलेगी। जनरली किसी भी बैंक में आप FD करते हैं तो आपको उस FD की 80-90% लिमिट मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से बड़ी आसानी से वन कार्ड लाइट को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो आपके काम की होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी यह कार्ड बड़ी आसानी से बनवा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी वन मेटल क्रेडिट कार्ड है, लेकिन रिसेंटली मुझे ऐसा मैसेज आया जहाँ पे ये मुझे वन कार्ड लाइट ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे तो वन कार्ड लाइट चाहिए नहीं, लेकिन मैं ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप वन कार्ड ऐप पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। आपके फ़ोन में अगर वन कार्ड ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से वन कार्ड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि ना तो इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस है ना ही कोई एनुअल फीस है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इस क्रेडिट कार्ड से आपका सिबिल स्कोर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में आपको दूसरे क्रेडिट कार्ड लेने में मदद करेगा। साथ ही इसमें आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको FD पे 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा और आपकी FD SBM बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ ओपन की जाएगी। और इस FD को आप जब मन चाहे डिजिटली क्लोज कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन पाने के लिए आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इस FD क्रेडिट कार्ड के बेस पे आप अपने सिबिल स्कोर को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आप रेगुलरली कुछ स्पेंड कीजिए, टाइमली इसका पेमेंट कीजिए, इससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, जिससे भविष्य में आपको दूसरे लोन या अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस कार्ड से आप जो भी खर्च करेंगे उस पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो कभी एक्सपायर नहीं होंगे। इसके साथ ही अब इस कार्ड में EMI का फीचर भी आ गया है। तो दोस्तों, ये है इस कार्ड के कुछ खास फीचर्स। इसके बाद दोस्तों, एप्लीकेशन आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करने के लिए गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाई होने के बाद आपको अपना email ID प्रोवाइड करना है। आप चाहे तो अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना है। पैन कार्ड देने के बाद आपको अपना एक 4-डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, आपको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपका नाम टॉप पे आ जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है, आप सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करवाना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। आपके आधार नंबर पर एक OTP आएगा, आपको OTP डाल के आधार को वेरीफाई कर देना है। आधार वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कंग्रेचुलेशन की स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको एक FD करनी है। वो FD कितने की भी हो सकती है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो FD कर सकते हैं। FD करते ही आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा और हफ्ते भर में आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, देखा ना, इस तरह से आप बड़ी आसानी से वन कार्ड लाइट अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।